नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वार्ता करेंगे। उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए अपने हाल के फैसले की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार किया। केंद्र ने खाद्य तेल उत्पादकों को तापमान के बिना शुद्ध मात्रा का वजन ग्राहकों को बताने को कहा। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत 2 सितंबर से सेवा में आएगा। निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को सौंपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, एक यात्री ट्रेन पर रूसी रॉकेट के हमले में 22 लोग मारे गए और अनेक घायल। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कर रहा है। श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल में मदद करेगा। सम्मेलन के 4 मुख्य सत्र होंगे। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई श्रम पोर्टल के एकीकरण और ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवा में सुधार शामिल है। अन्य 2 सत्रों के विषय हैं 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमेव जयते एट 2047। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैकेथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या 5वें वर्ष में 4 गुना बढ़ गई है। पहले संस्करण में करीब 7,500 टीमों ने पंजीकरण कराया था और इस बार 29,600 टीमों ने आवेदन किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि समापन समारोह में शामिल होने के लिए 15,000 विद्यार्थी और शिक्षक 75 नोडल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह हैकाथॉन एक देशव्यापी पहल है जो छात्रों को समाज, संगठनों और सरकार के समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या के समाधान के साथ साथ कुछ अलग हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। इस वर्ष स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने और स्कूल के स्तर पर समस्या के समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयोग के तौर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर की भी शुरुआत की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समापन समारोह के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 नवाचार अन्वेषण का प्रयास करेंगे। उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम में प्रमुख संशोधनों को सही ठहराए जाने पर 27 जुलाई के अपने फैसले की समीक्षा करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ ने फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। न्यायालय की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने, छानबीन करने, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तारी के अधिकार के प्रावधानों को सही ठहराया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने आज कहा कि शीर्ष न्यायालय के पहले के फैसले के 2 बिंदुओं, अभियुक्त को ईसीआईआर की प्रति देने और जमानत के लिए बेकसूर साबित करने की धारणा को पलट देना शामिल है।
उच्चतम न्यायालय शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह और उससे जुड़े मामलों को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई करेगा। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले को 5 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया था कि ये विवाद अयोग्यता से संबंधित संविधान की सूची 10 दल बदल विरोधी कानून की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है। ये विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की शक्तियों और न्यायिक समीक्षा के विषय में भी प्रश्न उठाता है। संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका पर आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 अभियुक्तों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष न्यायालय ने 15 अगस्त को रिहा किए गए इन अभियुक्तों को दी गई माफी पर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से अभियुक्तों को भी इस मामले में पार्टी बनाने को कहा है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे इन 11 अभियुक्तों को गुजरात सरकार की 1992 की माफी दिए जाने संबंधी नीति के अंतर्गत रिहा कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनवरी में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक मामले की जांच करने वाली उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने फिरोजपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराया है। समिति का कहना है कि उन्होंने घटना को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने आज समिति की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय इस रिपोर्ट को सरकार के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में अपना जवाब 4 सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना को इस वर्ष 14 जून को स्वीकृति दी थी। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में नौकरी के बदले भूमि हस्तांतरित करने संबंधी IRCTC घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के घरों पर छापे मारे। छापों के दौरान 200 से अधिक बिक्री पत्र बरामद किए गए। इस घोटाले से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा है। इस बारे में दर्ज प्राथमिकी में 5 बिक्री पत्रों का उल्लेख है, लेकिन CBI ने ऐसे 200 से अधिक दस्तावेज जब्त किए हैं। CBI ने आभूषण भी बरामद किए हैं। ये छापे राष्ट्रीय जनता दल MLC सुनील सिंह, पार्टी नेताओं अशफाक करीम, फयाज अहमद और सुबोध राय के घरों पर मारे गए। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री हेमा यादव को रेलवे में नियुक्तियों के बदले रोजगार पाने वालों ने उपहार स्वरूप भूमि भेंट की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अवैध खनन मामले में रांची के एक व्यवसायी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रेम प्रकाश को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कल हिरासत में लिया गया था। इस मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले निदेशालय ने पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ अन्य स्थानों के अलावा रांची में प्रेम प्रकाश के परिसरों की तलाशी ली थी और उससे संबद्ध एक आवास से 2 AK-47 राइफलें और 60 गोलियां जब्त की थीं। ये हथियार झारखंड पुलिस के 2 कांस्टेबलों के थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थर खनन का पट्टा हासिल करने के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस वर्ष फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इस शिकायत के बाद राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी थी। आयोग का पत्र प्राप्त होने के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गठबंधन में शामिल किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बारे में पार्टी की प्रांतीय समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त वापस लेने के बाद ये गठबंधन अगस्त 2019 में अस्तित्व में आया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का कल एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र 11 बजे से शुरू होगा। कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक उठापटक के कारण ये सत्र बुलाया गया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा दिल्ली सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पार्टी विधायकों के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक कर रहे हैं। इस बीच आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है। आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप सरकार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटा रही है। कि हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है, इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन क्यों नहीं किया। नई दिल्ली में राजघाट के बाहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक फर्जी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि 14 घंटे की छापेमारी के बाद भी सीबीआई को श्री सिसोदिया के आवास से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या प्रमाण नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों से भाजपा ने पक्ष बदलने के लिए संपर्क किया था। केंद्र ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकिंग करने वालों और आयातकों को तेल के डिब्बे पर लेबल लगाते समय बिना तापमान के शुद्ध वजन घोषित करने की सलाह दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अगले साल जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि तापमान में उतार चढ़ाव होने से खाद्य तेल का वजन अलग अलग हो जाता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लेबल पर मात्रा और द्रव्यमान की सही मात्रा घोषित होनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास।
नॉर्थ ईस्ट डायरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट एवरी थर्सडे एंड संडे एट 5:30 PM brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, that is the 25th of August 2022, brings an exclusive interview with the Director General of Police of Mizoram, Devesh Chandra Srivastav, on the War on Drugs campaign taken up by the state police in Mizoram. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत विक्रांत 2 सितंबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने कहा कि विक्रांत के उपकरण 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए हैं। इनमें अम्बाला, दमन, कोलकाता, जलंधर, कोटा, पुणे और नई दिल्ली शामिल हैं। वाइस एडमिरल ने कहा कि विक्रांत में महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीर नाविकों के लिए अलग आवास सहित 2,200 डिब्बे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत, अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस सहित उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 40,000 टन से ऊपर के विमानवाहक का निर्माण करते हैं। करीब 2,500 किलोमीटर लंबे INS विक्रांत की पूरी केबलिंग भारत में की गई है जो एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रांत इज 262.5 मीटर लॉन्ग एंड 61.6 मीटर वाइड। द कैरियर हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 28 नॉट्स एंड इज डिजाइंड विद हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीनरी ऑपरेशंस, शिप नेविगेशन एंड सर्वाइवेबिलिटी। द शिप हैज अ फ्लाइट डेक एरिया ऑफ 12,500 स्क्वायर मीटर। द शिप ऑल्सो हैज 3 गैलीज एंड 8 डाइनिंग हॉल्स, अप्रोक्सीमेटली 2,200 कंपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग separate accommodation for women officers and women agniveer and has approximately 2,500 kilometer of cabling on it. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वार्ता करेंगे। उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए अपने हाल के फैसले की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्र ने खाद्य तेल उत्पादों को तापमान के बिना शुद्ध मात्रा का वजन ग्राहकों को बताने को कहा। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत 2 सितंबर से बेड़े में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को सौंपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा एक यात्री ट्रेन पर रूसी रॉकेट के हमले में 22 लोग मारे गए और अनेक घायल। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के मत वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुआयामी माल परिवहन पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बहुउद्देशीय माल परिवहन पार्क से जलमार्गों, विशेष माल ढुलाई गलियारों और सड़क मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई अधिक तेज होगी। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अगले 6 महीने में जारी कर दिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉ औसफ सईद ने हैदराबाद में बताया कि ई चिप और कई विशेषताएं पासपोर्ट बुक में शामिल की जाएंगी। ये भारतीय पासपोर्ट को सुरक्षित बनाएंगी और इसे मशीन के माध्यम से पढ़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 30 अगस्त को नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी करेगी। ये दस्तावेज भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक के लिए दिशा निर्देश है। इसका उद्देश्य 2000
47 तक भारत को विकसित देश बनाने का है, जिसमें अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण शामिल हैं। इंडिया एट 100 दस्तावेज परिषद के अध्यक्ष डॉ विवेक देव रॉय, सदस्य संजीव सान्याल और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1,30,00,000 नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 19 मार्च 1998 के बाद से अब तक देश की सेवा की। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 तक पद पर रहे। उन्हें फिर से 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री चुना गया और 22 मई 2004 तक उन्होंने देश की सेवा की। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री चुने गए और 26 मई 2014 तक दो कार्यकालों तक उन्होंने कार्य किया। In the name of God and by God's spirit, that I do not hold the sovereignty and integrity of you. In case of giving you any such order and charge of my duty at time. आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली और 30 मई 2019 तक पद पर बने रहे। श्री मोदी ने 30 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आज तक देश की सेवा कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना ना भूलें आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यूक्रेन के चैपलिन शहर में रूस के रॉकेट हमले से यात्री रेलगाड़ी में आग लग गई और इस हादसे में 22 लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह जानकारी दी। यूक्रेन ने कल अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद की बैठक में बताया कि युद्ध की वजह से यूक्रेन और अन्य देशों के लाखों लोग अत्यंत निर्धनता की मार झेल रहे हैं।
टोक्यो में बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब इस जोड़ी का मुकाबला जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स में भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस बीच साइना नेहवाल थाईलैंड की बुसानन ऑनबाम रोंगफन से हार गई हैं। खेलो इंडिया महिला जूडो का पहला टूर्नामेंट इस महीने की 27 तारीख से शुरू होगा। टूर्नामेंट देश के 4 जोनों में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष 20 से 23 अक्टूबर तक नेशनल राउंड नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में होगा। राष्ट्रमंडल रजत पदक विजेता सुशीला देवी ने देश में जूडो के लिए इस तरह की प्रतियोगिता के लिए सभी कदम उठाने के लिए जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया। वीवीएस लक्ष्मण को 2022 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। भारत एशिया कप 2022 के अपने पहले मैच में रविवार को पाकिस्तान से खेलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पेगासस जासूसी मामले मुद्दे पर झूठा प्रचार करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि यह मामला लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास है। नई दिल्ली में आज भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि आधुनिक तकनीक के जानकारों की समिति को जांच के लिए सौंपे गए 29 मोबाइलों में से किसी में भी पेगासस वायरस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश है। राजस्थान में कोटा संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारां जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा का दौर थम गया है, लेकिन नदी नालों में उफान के कारण कई गांवों और शहरी इलाकों में अभी भी पानी भरा है। कोटा, बारां, बूंदी तथा झालावाड़ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना भी बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। कोटा संभाग में चंबल, कालीसिंध, परवन और पार्वती नदियां उफान पर हैं। चंबल और कालीसिंध नदी पर बने बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी के कारण कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ये नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र में खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। कर्नाटक के तुमकुरु में आज क्रूजर और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दुर्घटना बेंगलुरु से 17 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें दुर्घटना बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर तुमकुरु के निकट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती मुर्मू ने आज एक ट्वीट में दुर्घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों और अनिश्चितताओं को दूर करने में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में फिक्की द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वार्ता करेंगे। उच्चतम न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए अपने हाल के फैसले की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार किया। केंद्र ने खाद्य तेल उत्पादकों को तापमान के बिना शुद्ध मात्रा का वजन ग्राहकों को बताने को कहा। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत 2 सितंबर से बेड़े में शामिल किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को सौंपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, एक यात्री ट्रेन पर रूसी रॉकेट के हमले में 22 लोग मारे गए और अनेक घायल, और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।